हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। इसका देखते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट। अगर वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ही हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड बोल रहा है मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी ले सकते हैं, एलिमिनेशन भी ले सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी ले सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए हम किससे सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। क्या बोल रहा है, एक जो है हॉस्टल का जो चार्ज है वन मंथ का, वो क्या है, फिक्स्ड है। एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। फिक्स्ड चार्ज तो है, सो लेट ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जो हॉस्टल का फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज को हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक्स कंसिडर कर लिया। ओके, दिस इज फिक्स्ड। और अब क्या बोल रहा है कि वन डे पे जितना भी फूड उसने लिया है वन डे के अकॉर्डिंगली, बाकी का जो डिपेंड करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने मेस से कितने दिन खाना खाया है। ओके, तो हम क्या कंसिडर कर ले, चार्ज फूड पर डे, हर दिन का चार्ज कितना लग रहा है उसको हम क्या कंसिडर कर ले रहे हैं, वाई कंसिडर कर ले रहे हैं। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फ्रॉम फॉर 20 डेज शी हैज टू पे 1000 रुपीज। फिक्स चार्ज तो रहेगा ही हॉस्टल में रहने का। अब मेस में खाने के लिए उसने कितने दिन खाया, 20 डेज खाया है, ये डेज है, चार्जेस पर डे। ओके, तो 20 डेज उसने मेस में फूड लिया है तो उसे कितना चार्ज पे करना पड़ा, 1000 पे करना पड़ा। ओके, ये इक्वेशन बन गया हमारा। तो अब हमें इसे रीअरेंज कर देते हैं। कैसे रीअरेंज कर रहे हैं हम इसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो के फॉर्म पे। तो ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। क्लियर। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है। As hostel charges, okay. Whereas a student B who takes food for 26 days, fixed charge तो pay करना पड़ेगा boss. 26 days के लिए खाना खाया है उसने और क्या बोल रहा है, कितना pay कर रहा है वो, 1180 pay कर रहा है। फिर से rearrange कर लें अगर हम इसे, 26y minus 1180 equals to 0. This become equation number 2. दो equation हो गया। अब हम इसे equations को क्या करना है, हमें cross multiplication के through solve करना है। तो चलो लिख लेते हैं। हमें पता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, B1 B2 से स्टार्ट करते हैं। हम डायरेक्टली लिखेंगे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा, A1 is 1, B1 is 20 and C1 is minus 1000। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, A2 is 1, B2 is 26 and C2 is minus 1180। क्लियर। तो अब हम इसे रीअरेंज करते हैं और फिर x y की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, B1 B2, C1 and C2, okay? Values ही लिखती जा रही हूँ मैं directly. This is y. Y का value लिख रहे हैं यहाँ पे. Y के लिए अब, Y के लिए B1, B2, C1, C2 हो गया. तो अब क्या बचा है हमारे पास, A1 and A2. Clear? फिर क्या बचता है, ऊपर में 1 लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं फिर, B1 and B2. अब जल्दी से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इन सब में और वैल्यूज लिख लेते हैं। ओके, तो y अपॉन, सॉरी x अपॉन, पहले क्या होता है, x अपॉन 20 इनटू दिस 1180, माइनस है तो माइनस साइन, क्योंकि बड़े में, ओके, बड़े में का नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में माइनस ही हो जाता है वो, तो प्लस माइनस माइनस हो गया और मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 1180 इनटू 20, इट बिकम्स 23600। ओके, नाउ माइनस साइन जो फॉर्मूले में है और फिर इसका 1000 मल्टीप्लाई बाय 26, माइनस 26000, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये प्लस 26000 इक्वल्स टू वाई अपॉन माइनस 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू माइनस 1000, माइनस 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 प्लस एंड 1 इनटू दिस 1180 इक्वल्स टू 1 अपॉन 26 माइनस 20। आई होप यहाँ पे किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, आगे फिर करते हैं, इसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400 इक्वल्स टू वाई अपॉन
180 equals to 1 upon 6. हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसे अब क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं. ओके, अब हम इसे क्या करते हैं, कांस्टेंट के साथ कंपेयर करते हैं x वाले को और y वाले को. चलो कर लेते हैं. तो क्या होगा, x upon 2400 equals to 1 by 6. x equals to कितना हो जाएगा, 2400 upon 6. 6 1s are 6 4s are 00. तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 400 मिल गई. ओके, वैसे ही अगर मैं y की वैल्यू ले लूं तो क्या है, y upon 180 equals to 1 by 6. So y equals to 180 by 6. 6 1s are 6 3s are 18 and 0. तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 आ गई. हमें निकालना क्या था, अब वो भी देख लो आप. x और y की वैल्यू तो हमें निकालना ही था, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या था, फाइंड द फिक्स चार्ज. फिक्स चार्ज हमारे पास क्या है, x, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 400. तो फिक्स चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 400 रुपीज. ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. और y क्या था हमारा, चार्जेस फूड पर डे, है ना. तो कितने रुपए लग रहे हैं पर डे के हिसाब से, उसे कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं, 30 रुपीज. तो इसका आंसर कितना आ गया, 30 रुपीज. क्लियर है. Now come to part 2 of question number 4. What it says, a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator. Numerator se agar subtract kar rahe hai, matlab hume kya karna padega pehle? Consider kar lete hain, let numerator be x and the denominator be y. To hume fraction kya mil jayega? Fraction hume mil jayega x upon y. Numerator upon denominator hota hai. To hume find kya karna hai? Find the fraction find out karna hai. ओके, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ओके ओके, दिस इज द थिंग. तो क्या लिख रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1 बाय 3. फ्रैक्शन क्या होता है, 1 बाय 3 हो जाता है कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर. 1 इज न्यूमरेटर ये है हमारे पास, उससे 1 अगर सब्ट्रैक्ट हो गया तो फ्रैक्शन क्या मिल गया हमें, 1 बाय 3 मिल गया. क्लियर है. अब और इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. 3x minus 3 equals to y. ax plus by plus c के फॉर्म पे लिख लेते हैं. 3x minus y minus 3 equals to 0. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. नाउ व्हाट सेकंड कंडीशन से, व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर. 8 जब डिनोमिनेटर पे ऐड कर रहे हैं हम, तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 1/4 बन रहा है. ओके, 1/4 बन रहा है, इट बिकम्स 1/4. तो क्या करें, डिनोमिनेटर में ऐड करना है, तो x को न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर पे क्या ऐड करेंगे, 8 ऐड कर दिए. तो फ्रैक्शन क्या मिल रहा है हमें, 1/4 मिल रहा है. फिर से इसे रीअरेंज कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. तो 4x equals to y plus 8 हो जाएगा. 4x minus y equals to 8 ना करके minus 8 equals to 0 ही लिख लेते हैं. ओके, क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गया हमें. ओके, तो यहाँ से जल्दी से ले लेते हैं, a1 क्या है 3, b1 is minus 1 and c1 is minus 3. ओके, a2 is 4, b2 is minus 1 and c2 is minus 8. तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर ले, x b1 b2 राइट, b1 is minus 1, b2 is minus 2, c1 c2 minus 3 minus 8. अगेन y, what it become, y के बाद क्या आएगा, a आएगा, 3 एंड 4, a1 a2, ओके, फिर 1 b1 एंड b2 -1 एंड -1. अब हम इसे क्या करें, जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉसेस ही करने होते हैं हमें. तो लिख लेते हैं इसे, x अपॉन -- प्लस 1 8 इज़ 8. ओके, -- प्लस और वही 3, तो 8 -3 इक्वल्स टू y अपॉन 3 4 इज़ 12, तो -12 and minus plus 8 3 is 24. Clear? Equals to 1 upon minus 3 and minus plus 4. Kitna ho jayega ye, x upon 5 equals to y upon kitna ho jayega, plus 12. Clear? Equals to 1 upon 1. To ye hame mil gaya. Ab hum kya karte hain, iske baad hum karte hain, compare karte hain isko, sorry isse nahi, फर्स्ट x वाले टर्म को कांस्टेंट से, देन y वाले टर्म को कांस्टेंट से कंपेयर कर लेते हैं. तो x upon 5 equals to 1 upon 1 कितना आ जाएगा, x equals to 5 मिल जाएगा हमें, और y कितना मिल जाएगा हमें, y upon 12 equals to 1 upon 1. तो y इसी तरह हमें क्या मिल गया, 12 मिल गया. x की वैल्यू कितनी आई, 5, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12. यही फाइंड आउट करना था हमें फ्रैक्शन. तो हमारा फ्रैक्शन क्या आ गया है, x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 5, और y की कितनी आई है, 12.
तो हमको फ्रैक्शन क्या मिल गया 5/12 इज आवर आंसर. क्लियर है. Now come to part 3. Part 3, what says it? Yash scores 40 marks in a test. 40 marks test pe score kar raha hai wo. 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. To pehle to hum ye consider kar lete hain ki right answer ko hum likh lete hain. Jo bhi usne right answer mein liya hai wo x le lete hain. और जो भी रॉन्ग आंसर मतलब जो भी उसके डिडक्ट होंगे मार्क्स या माइनस होंगे उसे हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, वाई कंसीडर कर लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब हम चलते जाते हैं. ठीक है, क्या बोल रहा है, 40 मार्क्स स्कोर किया, 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर. राइट मतलब एक्स, तो 3x हो जाएगा राइट आंसर. एंड 1 मार्क फॉर लूजिंग राइट. तो हम प्लस नहीं लिख सकते, हम माइनस वाई लिखेंगे इसीलिए. ओके, वो लूज कर रहे हैं, नॉट गेनिंग. ओके, रॉन्ग आंसर्स के लिए y, और वो कितना स्कोर कर रहा है, 40 मार्क्स. बन गया हमारा इक्वेशन, रीअरेंज कर लेते हैं इसे. -40 = 0, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब अगर मैं देखूं सेकंड इक्वेशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, हैड 4 मार्क्स इवन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. राइट आंसर 4 मार्क्स उसे मिल रहे हैं ईच करेक्ट आंसर्स के लिए. ओके, अब डिडक्ट हो रहे हैं, डिडक्ट मतलब फिर माइनस ले लेंगे. 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. रॉन्ग आंसर के लिए कितने डिडक्ट हो रहे हैं, 2 डिडक्ट हो रहे हैं, तो 2y ले लेंगे. एंड हाउ मच ही स्कोर्स, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स. कितने मार्क्स स्कोर किए उसने, 50 मार्क्स स्कोर कर लिए. तो क्या लिख लेंगे, 4x माइनस 2y माइनस 50 इक्वल्स टू 0, इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 2. ओके, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया. हमें पता है a1 a2 b1 b2 का वैल्यू लिख लेते हैं. a1 is 3, b1 is minus 1 and c1 is minus 40. From here, a2 is 4, b2 is minus 2 and c2 is minus 50. Okay, this is minus 50. अब हम लिख लेते हैं x के लिए, हम जैसे लिखते हैं वैसे ही लिख लेते हैं. क्या लिखते हैं, पहले b1 b2 लिखते हैं, तो minus 1 minus 2, फिर c1 c2 minus 40 minus 50. Again y 3 4 a1 a2 Again 1 and what? B1 and B2. Now what we do? हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब आंसर्स लिख लेते हैं हम इसके. X क्या लेंगे यहाँ पे, X माइनस माइनस प्लस 50 माइनस 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 प्लस 40 इंटू 2 इज 80 माइनस 80 इक्वल्स टू y अपॉन 4 4 16. ओके, 160 एंड माइनस का साइन, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा एंड 50 इंटू 3 इज 150. इज दैट क्लियर. नाउ व्हाट, 1 अपॉन माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 4 दैट इज प्लस 4 हो जाएगा. तो ये कितना मिल गया, x अपॉन माइनस 30 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 2. इतना मिल गया. तो अब हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. तो कंपेयर कर लेते हैं, पहले इसको इससे करते हैं. x अपॉन माइनस 30 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 लिख लो, या फिर क्या लिख लो, डायरेक्टली जैसे लिखा हुआ है वैसे ही 1 अपॉन माइनस 2 लिख लिया. ओके, तो x कितना हो जाएगा, माइनस 30 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 2 1 जा एंड 2 15 जा. तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, x की वैल्यू मिल गई 15. ओके, तो अब हम किसे कंसिडर करें, y वाले को कंपेयर करते हैं. y अपॉन माइनस 10 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2, या फिर मैंने बताया क्या लिख ले, जैसे एज इट इज लिखा है वैसे 1 अपॉन माइनस 2. ओके, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 10 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 2 1 जा एंड 2 5 जा. तो y कितना मिल गया हमें, y मिल गया हमें 5, x मिल गया 15 एंड y मिल गया 5. पूछा गया है क्वेश्चन में, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट. टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, हमें तो मिल गया राइट आंसर्स कितने के दिए हमने, इतने के 15 के, और रॉन्ग कितने दिए हमने, y दिए, रॉन्ग आंसर्स 5 है, मतलब 5 रॉन्ग और 15 राइट. तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, करेक्ट वाला आंसर और रॉन्ग वाला आंसर, राइट वाला आंसर और रॉन्ग वाला आंसर, है ना. दोनों मिला के कितना हो गया हमारे पास, 15 + 5 = 20. दिस इज टोटल क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वही पूछा है हमें. ओके, तो आंसर कितना है इसका, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हमारे पास, 20 क्वेश्चंस. ओके गाइस, नाउ टेक
पार्ट फोर्थ ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ. ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है. मैं एक पहले लॉन्ग मेथड में बताऊंगी उसे, फिर उसको शॉर्ट करके भी बताऊंगी कि हम उसको कैसे कर सकते हैं. और वैसे भी इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करो, तो आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं. लेकिन इसमें इक्वेशन बनाना जो पार्ट है वही थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा. ओके व्हाट वी सेड कि हम ऐसा कुछ एक डायग्राम बना लेते हैं. अब क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं. ओके व्हाट क्वेश्चन सेज इज प्लेसेस ए एंड बी, ए और ये बी प्लेस है जो कि एक दूसरे से कितना 100 किलोमीटर दूर है. ओके अपार्ट फ्रॉम ऑन अ हाईवे, एक हाईवे है जिसमें 100 किलोमीटर दूर है ए और बी आपस में. ऑन कार्स, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार जो है वो ए से स्टार्ट होती है और दूसरी कार से बी से स्टार्ट होती है एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में भी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, बट व्हाट बट डिफरेंट स्पीड. हमें और एक चीज क्या देखने की जरूरत है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके ये एक चीज पढ़ने की जरूरत थी. तो बट डिफरेंट स्पीड, ओके एंड मीट इन 5 आवर्स. ये 5 घंटे चली, ए कार जो है 5 आवर्स चली, बी कार भी 5 आवर्स चली, और किसी एक पॉइंट पे आके, लेट दैट पॉइंट बी सी, इस पॉइंट पे आके वो मिलते हैं, मतलब 5 आवर्स दोनों चले हैं, क्लियर, और इस पॉइंट पे आके वो मिलते हैं. तो हमें निकालना क्या है, क्या बोल रहा है, फिर एक और कंडीशन दी है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ टू कार्स. अब स्पीड ऑफ टू कार्स निकालना है तो हमें जो फाइंड करना होता है उसी हम उसी को हम क्या करते हैं, वेरिएबल कंसिडर करते हैं. सो लेट स्पीड ऑफ कार ए इज एक्स किलोमीटर पर आवर, ओके एंड स्पीड ऑफ कार बी इज वाई किलोमीटर पर आवर. एक्स वाई ले लिया हमने, ए का स्पीड है एक्स किलोमीटर, वाई का स्पीड है वाई किलोमीटर. अब अगर वो 5 आवर्स चलेगी तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी उसकी. 5 आवर्स चल रही है, सॉरी 5 किलोमीटर चल रही, नहीं पता कितना किलोमीटर चल रही है वो नहीं पता, लेकिन कितना आवर्स चल रही है हमें वो पता है, टाइम पता है, क्लियर है. तो हमें डिस्टेंस नहीं पता है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है. तो अब हम क्या करें, डिस्टेंस लिख लेते हैं. डिस्टेंस कवर बाय कार ए, कार ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ए से बी तक तो वो चली ही है, लेकिन वो कहां तक चली है, सी तक चली है ना, ए से सी तक, और सी पे जाके वो किससे मिली है, बी सेकेंड कार से मिली है ना. तो हम क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, इतना पूरा चली है वो, क्योंकि वो कितना चली है, ए सी चली है. अब ए बी प्लस बी सी, तो ए बी क्या है हमारे पास, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं 100, और बी सी को बी सी ही रहने देते हैं, ठीक है. तो कार ए का डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, डिस्टेंस आ गया 100 प्लस बी सी आ गया, कार ए के लिए डिस्टेंस. ओके अब अगर वही चीज में डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी देखूं, कार बी के लिए देखूं, तो बी कितना चला है, कार बी सिर्फ बी सी चला है वो, क्लियर है, बी सी चला है. अब इन दोनों ने जितना टाइम ड्यूरेशन लिया है वो कितना दिया हमारे को, 5 आवर्स लिखा दिया हुआ है. ओके तो अब हमारे पास स्पीड तो हमें पता नहीं, स्पीड निकालनी है, और डिस्टेंस और टाइम हमें मिल गया, ये डिस्टेंस कार ए के लिए और कार बी के लिए भी डिस्टेंस, क्लियर है. तो अब हम फुल पुट कर देते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले में. तो हम पहले निकाल लें, अगर हम कंसिडर कर ले कार ए के लिए, तो कार ए के लिए स्पीड हमने कितना लिया है, एक्स किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना आया कार ए के लिए, 100 प्लस बी सी, और टाइम कितना है, 5 आवर्स, क्लियर है. तो ये इक्वेशन बन गया एक, इक्वेशन नंबर हम इसे 1 दे देते हैं. ओके नाउ अगर मैं कार बी के लिए देखूं, कार बी के लिए अगर मैं देखूं तो क्या है, कार बी के लिए स्पीड है y और डिस्टेंस कितना है उसके लिए बी सी, और टाइम कितना है, 5. ओके अब इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो बी सी मेरे को कितना मिल जाएगा, बी सी इक्वल्स टू 5y मिल जाएगा. पुट इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके अब ये फर्स्ट कंडीशन ही चल रही है गाइस, हम इसे और कंटिन्यू कर रहे हैं अभी. तब बी सी 2 है तो पुट वैल्यू ऑफ बी सी इक्वल्स टू 5y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं बी सी की वैल्यू, तो क्या मिलेगी, x इक्वल्स टू 100 प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 5y अपॉन 5. ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो गया, 5x इक्वल्स टू 100 प्लस 5y.
इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज कर लें, 5x माइनस 5y माइनस 100 इक्वल्स टू जीरो. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3 विच इज वी फॉर्म बाय द कंडीशन. तो हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया अभी. ओके, अब दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है हमें, दूसरा कंडीशन बोल रहा है इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर. अब वो अगर आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ओके, दे मीट इन 1 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार. ओके, अब वो आपस में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. पहले इस इक्वेशन को और क्या लिख सकती हूँ मैं, 5 से डिवाइड कर दिया तो x माइनस y माइनस 20 इक्वल टू 0 लिख सकती हूँ. इसे आप कंसिडर कर लिए इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब एक और कंडीशन दिया हुआ है, वो देखते हैं कि कंडीशन नाउ व्हाट. सेकंड कंडीशन सेज कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ए इस डायरेक्शन में चल रहा है और बी भी अपने जगह से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, और वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलेंगे कितने आवर्स के बाद, 1 आवर्स के बाद. मतलब हमें क्या मिल गया, टाइम पता है कि 1 आवर के बाद, डिस्टेंस अभी पता नहीं है, डिस्टेंस हम देखते हैं, डिस्टेंस क्या लिखते हैं, स्पीड पता है हमें, स्पीड ऑफ ए कितना, हमने कार ए के लिए कितना कंसिडर किया, एक्स किलोमीटर पर आवर, और बी के लिए क्या कंसिडर किया, वाई किलोमीटर पर आवर कंसिडर किया है, क्लियर. तो अब हम अगर देखें आगे की डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस बच गया निकालना, डिस्टेंस फॉर कार ए अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस ओवरऑल ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है ना. अगर मैं डिस्टेंस ऑफ कार ए देखूं तो ए कितना चल रहा है, ए से सी तक चल रहा है, दैट इज ए सी. और अगर मैं कार बी का देखूं तो वो क्या है, सी बी, बी सी, एक्चुअली बी सी भी लिख सकते हो, ये तो ए सी हो गया. और बी सी लिखने के बजाय मैं क्या लिख दूं, अगर इसे मैं अगर कंसिडर कर लूं 100 माइनस ए सी, तो लिख सकते हैं हम सी बी को, है ना. तो हम लिखते हैं डिस्टेंस ऑफ कार बी, कार बी ने कितना ट्रेवल किया है, सी बी, और हम सी बी को कितना लिख रहे हैं, 100 माइनस ए सी. ओके, तो डिस्टेंस हमें पता चल गया, कार ए कार बी के लिए स्पीड हमें पता है और टाइम भी पता चल गया. तो अब हम इसका इक्वेशन और इजीली बना लेते हैं. स्पीड ऐसा था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. स्पीड ऑफ कार ए, अब ये किसके लिए हो रहा है, कार ए के लिए हो रहा है. ओके, तो स्पीड ऑफ कार ए इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ कार ए अपॉन क्या है, ये टाइम कितना है, 1 आवर. ओके, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, ए सी, क्लियर है. अब क्या, ये तो कार ए से हो गया, और कार बी से अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ कार बी अपॉन टाइम, क्लियर है. तो ये कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू 100 माइनस ए सी. अब ये दो इक्वेशन मिल गए, अब क्या करूं मैं, पुट कर दूं, हमारे पास 3 इक्वेशन मिल चुके हैं ना, तो ये दिस इज इक्वेशन 4, दिस इज इक्वेशन 5, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5. ओके, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 100 माइनस x हो जाएगा. क्यों x हो जाएगा, क्योंकि ac की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्लियर है. तो हम चलो अब ये लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा फिर ये, x प्लस y इक्वल्स टू 100, दिस इज आवर 6th इक्वेशन, क्लियर है. ये हमें इक्वेशन मिल गया, या फिर इसे ना इक्वेशन देके आप एक काम कर लो, क्या लिख लो, x प्लस y माइनस 100 इज इक्वेशन नंबर 6 मिल गया हमें. जो प्रॉपरली कंडीशन हमें दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हमें जो दो इक्वेशन मिली है वो है ये इक्वेशन नंबर 6 और एक कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3, क्लियर. ये दो इक्वेशन है, अब इसको हम यूज करके या तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर लें या फिर हम क्या कर लें, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर लें, ठीक है. तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ही यूज कर लेते हैं. ओके, चलो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन क्या मिली हुई है हमें, फर्स्ट इक्वेशन क्या मिली हुई है, एक्स माइनस वाई माइनस 20 इक्वल्स टू 0 है, दिस इज थर्ड इक्वेशन, हाँ थर्ड इक्वेशन, और ये एक इक्वेशन है. तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब हम इसे सॉल्व करते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के थ्रू. ओके, तो चलो x क्या लिखना है, b1, b1 इज माइनस 1, ओके दिस इज b, ओके चलो लिख भी लेते हैं, a1 इज 1, b1 इज माइनस 1 एंड c1 इज माइनस 20. यहाँ पे a2 इज 1, b2 इज 1 एंड c2 इज माइनस 100, क्लियर. तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, पहले किससे लिखते हैं, b1 एंड b2, b2 इज व्हाट, 1, c1 माइनस 20 एंड c2 माइनस 100, y, a1 इज 1 एंड a2 इज 1, अगेन 1 माइनस 1 एंड 1, b1 एंड b2. तो अब जल्दी से इसे क्या करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, x अपॉन 100 माइनस माइनस प्लस 20 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 20
minus minus plus 100. Okay, equals to 1 upon 1 minus plus 2. Okay, minus minus plus, okay, plus 1 again. 1 plus 1, 2 ho jayega. Okay, x upon 120 equals to y upon 80 equals to 1 upon 2. अब हम क्या करते हैं इसके बाद? इसके बाद हम करते हैं कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं, है ना? तो चलो कंपेयर कर लेते हैं, x को 1 by 2 से कंपेयर करते हैं x वाले को. x upon 120 equals to 1 by 2. So x equals to 120 upon 2, it becomes 60. तो x कितना मिल गया? 60 मिल गया हमें, ठीक है? x क्या था हमारे पास? Speed of a car A, that means kilometer per hour लिखेंगे इसे. अब वैसे ही मैं y को consider कर रही हूँ, y upon 80 equals to 1 by 2. So y become 80 upon 2, it become 2 ones and this is 40. So y become 40 kilometer per hour. What is y? Y is the speed of a car B. यही हमें find out करना था, okay? काफी ज़्यादा लंबा हो गया ये. हम इसे elimination से करते तो cross multiplication वाला matter जो है वो वहीं पे cut हो जाता. ये था, ऐसे solve करना चाहिए आप लोगों को. मैं एक छोटा सा trick भी बता दूँ जिससे आप directly equation लिख पाएंगे, okay? चलिए तो इसी क्वेश्चन को एक बार और सॉल्व करते हैं हम. नेक्स्ट पार्ट 4 को हम एक बार और सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हम इसका थोड़ा सा अच्छा वे भी देखेंगे. ओके, हमें समझने की जरूरत क्या है यहाँ पे? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ओके, पहले तो ये पता रहना चाहिए था हमें. ओके, दूसरा क्या पता रहना चाहिए था हमें कि जो स्पीड है वो अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये डिस्टेंस है सपोज, और अगर स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रही है, सपोज ये ए की स्पीड और बी की स्पीड है एक्स और वाई, ठीक है? तो जो स्पीड है ए की एक्स किलोमीटर पर आवर और बी की वाई किलोमीटर पर आवर, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड क्या होती है? माइनस होती है. ओके, हम उसकी स्पीड को क्या करते हैं? आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं. और अगर हमारा स्पीड एक दूसरे के सामने आ रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये इस डायरेक्शन में, तो उनका जो स्पीड है वो क्या होता है? ऐड होता है, एडिशन होती है उनके स्पीड के बीच में. ओके, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता रह जाए कि सेम डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो क्या हो जाता है, सॉरी, सेम डायरेक्शन में रहा तो माइनस, यस, अपोजिट डायरेक्शन में रहा तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है स्पीड. ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम क्वेश्चन पढ़े तो क्या हो गया? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्या बोल रहा है. ए जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस पॉइंट पे पहुंच रहे हैं वो, क्लियर है? यही था हमारा क्वेश्चन. तो हम अब करते हैं आगे की डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए. डिस्टेंस ए कार के थ्रू जो ट्रेवल हो रहा है, कार ए के थ्रू, वो कितना हो रहा है? 5 आवर्स तक चलेगा, तो 5x. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस निकालना है हमें, तो डिस्टेंस यहां से हमें कितना मिल जाएगा? स्पीड इनटू टाइम मिल जाएगा. स्पीड क्या है हमारे पास? एक्स था हमने का, चलो मैं एक काम करती हूँ, प्रॉपरली इसे लिख भी देती हूँ कि जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे. हमने क्या कंसिडर किया था? लेट स्पीड ऑफ कार ए बी एक्स किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी इज y किलोमीटर पर आवर, क्लियर है? तो अब हमें अगर डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, कार ए का डिस्टेंस हमें अगर चाहिए तो हमें डिस्टेंस के लिए क्या चाहिए? स्पीड इनटू टाइम, है ना? और कार इन ये टाइम कितना कवर कर रहे थे? 5 आवर्स चल रहे थे, है ना? तो डिस्टेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? स्पीड. स्पीड कितना है? x किलोमीटर पर आवर. और टाइम कितना ले रहा है वो? 5 ले रहा है. तो मतलब कितना हो गया हमारे पास? 5x किलोमीटर क्या हो गया हमारे पास? कार ए का डिस्टेंस हो गया. वैसे अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैं कार बी देखूं तो बी की स्पीड कितनी है हमारे पास? y, और कितने आवर्स चली है वो? 5 आवर्स. तो ये कितने आवर्स, कितना हो गया इसका डिस्टेंस? 5y किलोमीटर हो गया. अब हमारे पास डिस्टेंस तो आ गया है. हमने क्या बोला था? उनके बीच में क्या होता है? सब्सट्रैक्शन होता है, राइट? सब्सट्रैक्ट होते हैं, हमने बोला था स्पीड सब्सट्रैक्ट होती है. तो ऐसे ना लिख के हम क्या लिख सकते थे? डिस्टेंस इनटू टाइम था, और मैंने क्या बताया? डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम है. तो स्पीड क्या होती है? आपस में सब्सट्रैक्ट होती है, ये बताया मैंने. अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है तो आपस में स्पीड सब्सट्रैक्ट होती है. तो x माइनस y इनटू 5 हम ऐसे लिख सकते थे. तो
तो ये क्या हो गया 5x माइनस 5y. ओके, तो ये समझने की जरूरत है कि हम डिस्टेंस 5x माइनस 5y क्यों लिख रहे हैं और कितना डिस्टेंस कवर किया उन्होंने. टोटल 100 किलोमीटर कवर किए हैं. ओके, इनके स्पीड को बस हम माइनस कर दें तो हमें इसे एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ये वाला पोर्शन. ओके, तो हमारे पास कितना इक्वेशन मिल गया, एक 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100, या फिर इसे क्या लिखें, x माइनस y इक्वल्स टू 20, और क्या लिख सकते हैं, x माइनस y माइनस 20 इक्वल्स टू 0. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर है, मिल गया हमें फर्स्ट इक्वेशन. अब ऐसे ही सेकेंड कंडीशन हमको दी हुई है जिसमें हमें टाइम कितना दिया हुआ है सेकेंड कंडीशन में, इसी के साइड में रखते हैं. सेकेंड कंडीशन में हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर दिया हुआ है. सेम चीज करना पड़ेगा, हमें 1 आवर दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड कितना है हमारे पास, अब यहाँ पे क्या दिया है, टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब हमें टुवर्ड्स ईच अदर बोल रहा है, राइट. तो हमारे पास ये वाला कंडीशन आ जाएगा, टुवर्ड्स ईच अदर अगर वो बोल रहा है तो हमें क्या मिल जाएगा, ये. ओके, जस्ट मैं, यस, दिस इज द डायग्राम. ओके, तो हमें टुवर्ड्स ईच अदर मतलब ये यहाँ से इधर आएगा और ये यहाँ से इधर आएगा, और 1 आवर्स में दोनों 1 आवर चल रहे हैं, 1 आवर में वो कहाँ पहुंच जाएंगे, पॉइंट सी पे पहुंच जाएंगे. लेकिन डिस्टेंस टोटल कितनी कवर हुई है, यहाँ पे भी 100 कवर हुई है. ओके, तो चलो अब हम यहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए, कार ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड ऑफ अ कार ए कितना है, एक्स, और टाइम कितना है, 1 आवर. तो कितना हो गया एक्स. वैसे ही डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, कार बी के लिए क्या होगा, वाई इंटू 1 आवर, दैट इज बिकम वाई, y किलोमीटर एंड x किलोमीटर. ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया. अब डिस्टेंस हो गया तो हम क्या, हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, अब इक्वेशन के लिए हम पुट आउट करेंगे. अभी हमने क्या बताया था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो उनका जो स्पीड है वो क्या होता है, आपस में एड होता है. क्लियर, ये बताया था मैंने. तो चलो हम वो अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है. डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना. टाइम हमें पता है कितना है, 1, और स्पीड हमें क्या करना है, आपस में एड करना पड़ेगा. दोनों का स्पीड ऐड हो गया और टाइम कितना है, 1 हो गया, और डिस्टेंस टोटल कितना कवर कर लिया है, 100. तो ये क्या हो गया, x प्लस y इक्वल्स टू 100, या फिर क्या लिखूं, x प्लस y माइनस 100 इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हमें ये दो इक्वेशन मिल गए हैं, पहला इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है. या तो इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो, या तो एलिमिनेशन से, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से. जस्ट इससे पहले सेम इक्वेशन ही आए थे हमारे पास, और मैंने उसे किससे सॉल्व किया था, मैंने उसे सॉल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, राइट. तो अभी मैं एक काम करती हूँ, इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को. एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को इक्वल करना पड़ता था, है ना. यहाँ पे तो दोनों का वेरिएबल इक्वल ही लग रहा है हमें. ओके, तो हम एलिमिनेशन के लिए इस फॉर्म में लिखते हैं इसे, मतलब जस्ट ऊपर वाले फॉर्म में ऐसा ही. ओके, तो चलो हम इसे एलिमिनेट करते हैं. इसे क्या करना पड़ेगा हमें, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे अगर हम, तो ऐड करने से साइन तो चेंज होता ही नहीं है. ओके, तो ऐड कर लेते हैं हम, ऐड कर लिया तो ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल. ये क्या हो गया, 2x इक्वल्स टू 120. तो x कितना मिल जाएगा मेरे को, 120 अपॉन 2, दैट बिकम्स 60. x कितना आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर. x इज अ स्पीड ऑफ अ कार ए, 60 किलोमीटर पर आवर आ गया कार ए की स्पीड. ओके, अब y पे पुट, y के लिए हमें चाहिए, तो हम क्या कर ले, किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें या फिर इसमें, किसी में भी हम क्या कर ले, पुट कर ले x इक्वल्स टू 60. ओके, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी काय की, y की. तो चलो हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, x प्लस y इक्वल्स टू 100 में पुट करते हैं. x इज 60 प्लस y इक्वल्स टू 100, सो y बिकम 100 माइनस 60, दैट बिकम 40. ओके, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई है, 40 किलोमीटर पर आवर. ओके, सेम आंसर मिलेगा आपको, बस तरीका देखना पड़ेगा कि आपको कैसे करना है. क्लियर है, तो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत थी स्पीड इनटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, और उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस हमें कैसे लिखना है. और हमने क्या सीखा यहाँ पे, नया क्या सीखा हमने, कि अगर अगर दो जगह से कार निकल रही है, या कोई भी गाड़ी निकल रही है, ट्रेन्स आते हैं ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं. ट्रेन्स आते हैं, वो 5 आवर्स में मीट कर, हम कार पढ़ रहे हैं तो कार ही बोलती हूँ मैं,
ओके दो कार अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं मतलब टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं तो उनकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी एड होगी ओके अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं आगे पीछे रहे या कैसे भी रहे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी सब्सट्रैक्ट होगी क्लियर है ये ध्यान में रखिएगा गाइस हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ के फोर्थ पार्ट में काफी ज्यादा टाइम ले लिया ना एक्चुअली मैं चाह रही थी कि आपको कुछ नई चीजें सिखा पाऊं इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया एनीवेज नाउ कम टू पार्ट फाइव ओके फाइव फिफ्थ पार्ट क्या बोल रहा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स ओके पहले तो हम रेक्टेंगल बना लेते हैं ओके ये एक रेक्टेंगल हो गया ओके ये कितना लेंथ ये भी लेंथ ये कितना ब्रेथ और ये भी ब्रेथ ठीक है अब क्या बोल रहा है एरिया ऑफ rectangle gets reduced by 9. Area of a rectangle क्या होता है length into breadth होता है क्या बोल रहा है reduces by 9 unit square unit ये square unit में ही होगा okay if the length is reduced by 5 units and the breadth is increased by 3 units तो consideration start कर देते हैं हम इसमें ठीक है हमें पता है area क्या हो जाता है area होता है length into breadth होता है ना ये तो condition लगाई हूँ चलो हम इसको देखते हैं Let length of rectangle be x unit, okay, and the breadth of rectangle be y unit. Length of a rectangle and breadth of a rectangle is x and y हमने consider कर लिया है. अब question में क्या बोल रहा है हमें कि जो area है, area क्या हो जाएगा rectangle का इसके accordingly, area हो जाएगा इसके accordingly x y हो जाएगा. x यूनिट इंटू वाई यूनिट क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट ओके स्क्वायर यूनिट में आ गया एरिया अब बोल रहा है कि अगर हम लेंथ को रिड्यूस कर दे 5 यूनिट से लेंथ रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स रिड्यूस 5 यूनिट्स ओके तो लेंथ हमारे पास क्या है x 5 यूनिट से रिड्यूस कर दिया तो न्यू लेंथ हमारे पास क्या आ गया है x माइनस वाई और ब्रेथ क्या आ गया है हमने उसे क्या किया इंक्रीज बाय 3 कर दिया है ना इंक्रीज बाय 3 यूनिट तो ब्रेथ हमारे पास कितना था y और उसे इंक्रीज करके कितना हो गया y प्लस 3 तो एरिया कितना होगा एरिया क्या होगा x माइनस 5 इंटू y प्लस 3 और एरिया में इफेक्ट क्या बोल रहा है वो एरिया में इफेक्ट हो रहा है कि वो कितना रिड्यूस हो रहा है एरिया एक्स वाई था और रिड्यूस होके कितना हो जा रहा है माइनस 9 स्क्वायर यूनिट हो जा रहा है ओके ये स्क्वायर यूनिट्स में ही रहेंगे ओके तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा x इंटू वाई माइनस सॉरी प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9 ओके एक्स वाई को अगर मैं इधर लेके जाऊंगी तो एक्स वाई प्लस और एक्स वाई माइनस हो जाएगा तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल तो मैं इसे रीराइट करके क्या लिख सकती हूँ 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15 लिख सकती हूँ इट बिकम्स 3x minus 5y equals to 6. This is equation number 1. Clear है? First condition के through हमने एक equation तो ले आए हैं. अब second equation के लिए देखते हैं. क्या बोल रहे हैं next? If we increase the length by 3 units. तो length कितना था? X और increase हो गया. मतलब X plus 3 हो गया. अब ले length हमारा. Okay. And the breadth by 2 units. Breadth को भी increase कर रहे हैं. By 2 units. Y plus 2 हो गया ओके द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर तो एरिया कितना था हमारे पास एक्स वाई था वो इंक्रीज होके कितना हो गया 67 स्क्वायर यूनिट्स हो गया ओके तो हम इसी इक्वेशन को नीचे लेके आते हैं ताकि हम उसे इजीली सॉल्व कर पाए क्या था एक्स प्लस 3 एंड वाई प्लस 2 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67 ओके ये अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ओके सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रहेगा तो अब इसे मैं ओपन अप करूं तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67 क्लियर तो सॉल्व कर लेते हैं एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6 हो जाएगा इट बिकम 61 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 61 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 अब हमें दो इक्वेशन मिल गए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी मेथड से कर लो एलिमिनेशन से कर लो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ रहे हैं ओके तो चलो करना स्टार्ट करते हैं एक्स के नीचे क्या लिखेंगे बी वन बी टू बी वन कितना है माइनस फाइव और बी टू कितना है 3 ओके फिर सी वन सी टू माइनस सिक्स माइनस 61 अगेन वॉट ए वन ए टू
3 and 2 and what? B1, B2 minus 5 and 3. So, jaldi se ab hum ise kya kar lete hain? Cross multiply kar lete hain. Cross multiply karke answers likhte hain. X upon kitna aayega ye? Minus minus to plus ho jayega. 61 into 5 ho jayega. 305. Okay. Minus and again minus minus plus. It becomes plus 18. Equals to Y upon minus 12 ho jayega. 6 to the 12. Minus 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 plus ho jayega. 3 and 6 are 18. 183. Okay. Equals to 1 upon 3 3 is a 9 minus minus plus 10. 5 2 is a 10. Itna ho gaya. Ab kya ho gaya ye? X upon kitna ho jayega? 323 equals to Y upon ye kitna ho jayega? 183 minus 12 kar le agar hum to kitna ho jayega? 170. 1 equals to 1 upon 10 plus 9 is 19. Ab kya karte hain? Hum constant term ko compare karte hain X aur Y wale term se. To chalo hum kar lete hain. Isko compare kar le pehle isse. So, x upon 323 equals to 1 upon 19. So, x equals to 323 divided by 19. And if I agar main cancel out karu, to kitna hoga? 19 ones are and 19 ones are and 19 sevens. This becomes 17. So, x ki value kitni mil gayi mujhe? 17 mil gayi. Okay. Ab vaisi main y ki value find out kar rahi hu. To y ke liye kitna? Y upon 171 equals to 1 upon 19. So, y equals to 171 divided by 19. तो ये अगर मैं कैंसिल आउट कर लूं तो कैंसिल आउट करने से मुझे कितना मिलेगा 9 ones are, 19 ones are and 19 nines are. So y की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 9 मिल गई. ओके तो x और y की वैल्यू मेरे को मिल चुकी है. यहां पे हमें यही निकालना था. फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द डाइमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल. डाइमेंशंस क्या होंगे? लेंथ होगा और ब्रेथ होगा. x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 17. और y की वैल्यू हमें कितनी मिली? 9. 17 यूनिट्स एंड 9 यूनिट्स. ओके इतना मिला है. तो डायमेंशन हमें कितना मिल गया? लेंथ कितना है? 17. और ब्रेथ कितना है हमारे पास? 9. ओके क्लियर है. यही इसका आंसर है गाइस. 3.5 यहीं पे एंड करते हैं हम. यहाँ पे अभी खत्म करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना आ गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का इंट्रोडक्शन. वहां मैं आपको बताऊंगी रिड्यूसिबल एलिमिनेशन मैथड कैसे करेंगे, या इक्वेशन को रिड्यूस करने के बाद उसको कोई सा भी मैथड एलजेब्रिक मैथड यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय स्टूडेंट. सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल में भी हैं. आप ट्राई जरूर करिए. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा. गाइस अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी. एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. थैंक यू.